जय जय सदाराम। मैं हूँ तपेश जैन और यहाँ पे हम लोग सद्धानी दरबार में हैं। आज सद्धानी दरबार में पंत जी किशनलाल जी अपने जत्थे के साथ में सिंध पाकिस्तान की यात्रा करने के बाद में आज काफी और कहाँ कहाँ बंदी भी है, कहाँ कहाँ जगह जाते हैं ये सिंध प्रांत में, विशेषकर जहाँ सिंध हिंदू तीर्थियों तीर्थ यात्रियों जो जाते हैं, जहाँ मंदिर है जी वहाँ पर जाते हैं, जिसमें सात बेला हो गया और विशेषकर संत सदाराम शाह जी की जन्म स्थली जहाँ तपोभूमि कहा जाए, हयात काफी और वेदों की जहाँ रचना हुई माथेलो वहाँ पूज महाराष्ट्र बहुत अच्छी बात है। तो महाराष्ट्र जी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भक्त लोग आए हुए हैं सभी जगह से। यहाँ पर जयकारा लग रहा है संत जी के और इसका ये जत्थे का स्वागत सब हम लोगों ने देखा कि बढ़िया है। तो क्या 300 साल पुराना ये यहाँ पर भक्ति के साथ में शक्ति भी है और ये लोग जो देख रहे हैं कि संत जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और जैसा लगता है कि बालिका मंडल ने भी यहाँ पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। और ये शिवलिंग भी है, शिव अवतारी सदाराम जी पहले संत हुए, उसके बाद में ये जितनी मंडली है अपना सारे लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये सद्धानी दरबार तीर्थ रायपुर से रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये तीर्थ स्थल, तो 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पर जाके भी संतों का ये मंडली जो देख रहे हैं आप, ये मंडली का भी जितनी मंडली है भक्तों ने बहुत अच्छा काम किया और इन सबका स्वागत है। ढोल तासे नगाड़े भी बज रहे हैं यहाँ पर और ये जो अंगम दृश्य है यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आनंद के साथ में जितना आनंद दिखता है उतना आनंद डांडिया भी है और सब चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। ये भक्त जो है बड़े उत्साह के साथ में स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरा चंद्रगढ़ के लोगों से आगे यहाँ पे संत जी का आगमन हुआ है। और मथेलो जहाँ पर कहते हैं कि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, और ये सारे लोग यहाँ